दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। देश के युवा अपने कौशल और खेल प्रतिभा से विश्व पटल पर नित नए कीर्तिमान बना रहे हैं और खेल जगत में भारत का सामर्थ्य लगातार बढ़ रहा है। गत 8 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में खेल के लिए होलिस्टिक अप्रोच के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और टियर 2 टियर 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों के लिए भी बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने और उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम यानी टॉप्स जैसी योजनाओं ने आज देश में एक मजबूत खेल संस्कृति विकसित की है। माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खिलाड़ियों का सदैव मनोबल बढ़ाते हैं, उनसे सीधा संवाद करते हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कोई भारतीय खिलाड़ी मेडल जीतकर तिरंगा लहराता है तो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पिछले ओलंपिक और पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में भी खेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। गांवों और छोटे शहरों में खेल के बुनियादी ढांचे के बनने से इन जगहों पर खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बनाने की पहल हो या युवाओं में खेलों को लेकर एक विश्वास भरने और खेलों को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का संकल्प हो, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश और प्रदेश का खेल इकोसिस्टम नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी की पहल पर काशी में विश्व स्तरीय और आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। काशी के सिगरा में बन रहा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न सिर्फ स्थानीय बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के लिए वरदान सिद्ध होगा। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे जो देश और दुनिया में राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बन जाने से काशी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो सकेंगी। इस कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, स्विमिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स जैसे ओलंपिक्स के 28 में से 22 खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी। साथ ही यहाँ नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी होगा जहाँ वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, फेंसिंग और शूटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर के साथ ही यह खेल परिसर स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके भी लाएगा। विकास की अविरल धारा से लगातार प्रगति की नई ऊंचाइयां हासिल करती काशी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जरिए अब प्रदेश और देश का सशक्त स्पोर्ट्स हब बनने को पूरी तरह तैयार है।